उत्तर प्रदेश में अभी तक बहुत पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स आए हैं। हमारे यहाँ पर दो दो केसेस आए थे, टंडा में एडमिट थे, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। एक की छुट्टी हो गई है, दूसरी की एक दो दिन में छुट्टी होने वाली है, अस्पताल में बिल्कुल स्वस्थ हैं। और उसके बाद कोई भी मामला प्रदेश में नहीं आया है। जो बंद हुआ है पूरे भारत में, जो तालाबंदी हुई है, कर्फ्यू लगा है, इसे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और जो हम ये कहना चाहेंगे लोगों से कि वो अपने घरों में रहें, हम पे विश्वास रखें। जितने भी हमारे अस्पताल के कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, ड्राइवर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, लगभग हर कर्मचारी दिन रात इसकी जो महामारी है इसको रोकने के लिए प्रयासरत है। पूरी सरकार इसके लिए लगी हुई है, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने नियमों का पालन किया, सरकार के निर्देशानुसार घरों में रहे, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। प्रदेश में फिलहाल अभी कोई नया मामला नहीं आया है। अगर इसमें हमने रोक रखी, घरों में रहे, और बाहरी राज्यों से, बाहरी जगहों से अगर हिमाचल में लोग नहीं आएंगे, तो मुझे विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में हम बिल्कुल कोरोना फ्री होने वाले हैं। और एक बहुत बड़ी जीत इसमें होने वाली है। इसके लिए डॉक्टर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो तो इसमें जो इसका कामयाबी का भाग बनेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है, जो लोग घरों में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, वो हम पे विश्वास रखें, अपने आप घरों में रहें, और ताकि आने वाले समय में ये बीमारी यहाँ पर प्रवेश ना कर पाए। हमने भाई किसी किस चीज के लिए निकाल।